भगिनी वंदितो सव सिद्धे धुवमल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्यामि समय पाहुड मिणुमो सुद केवली भलिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया गया था जो मुनि महाराज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निरंतर भावना करते हैं और उसको अपनी आत्मा में धारण करते हैं, वे शीघ्र ही सांसारिक दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब आज ये बताएंगे कि रत्नत्रय का वर्णन या सम्यक दर्शन का वर्णन व्यवहार ने और निश्चय ने से होता है, इन दोनों में कौन सा नए किसके योग्य है। आइए देखते हैं गाथा नंबर 13। व्यवहारो भूदत्थो दत्थो देशिदो दुसूधनौ भूदत्थमसिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदि जीवो आइए अब प्रत्येक शब्द को गाथा के हर शब्द को समझते हैं। व्यवहारो व्यवहार नय अभूदत्थो अभूतार्थ है। भूदत्थो भूतार्थ देशदो कहा गया है दू माने और शुद्धणो निश्चय नय अर्थात व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ कहा गया है। तीसरी पंक्ति देखिए भूदत्थ मस्सिदो खलु भूतार्थ का आश्रय पाकर खलु माने निश्चय से जीवो सम्मादिट्ठि हवदि जीव सम्यक दृष्टि होता है। आइए अर्थ देखते हैं इसका। व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ कहा गया है। भूतार्थ का आश्रय लेकर ही निश्चय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। निश्चय ने में और व्यवहार ने में क्या अंतर है? गाथा में इसी बात को स्पष्ट किया है। अंतर क्या है? अंतर ये है व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ कहा गया है। भूतार्थ का मतलब क्या होता है? भूतार्थ भूत माने सच्चा भी होता है, भूत माने सम माने सामान्य भी होता है। जो सामान्य का वर्णन करे वह भूतार्थ और जो असामान्य माने विशेष का वर्णन करे वह अभूतार्थ। अर्थात व्यवहार ने विशेष का वर्णन करता है अर्थात व्यवहार ने पर्याय का वर्णन करता है और निश्चय ने सामान्य अर्थात द्रव्य का वर्णन करता है। दोनों में बहुत अंतर है। सरल भाषा में समझें निश्चय ने से तो मैं जीव हूँ द्रव्य को विषय किया, व्यवहार ने से मैं मनुष्य हूँ पुरुष हूँ ये व्यवहार ने का विषय हुआ। अच्छा भूतार्थ माने सच्चा भी होता है, अभूतार्थ माने झूठा भी होता है। वास्तविकता का परिचय कौन कराता है? निश्चय ने। निश्चय ने सामान्य का विषय करता है। जैसे निश्चय ने कहा मैं जीव हूँ, वास्तविकता तो यही है क्योंकि मेरा त्रैकालिक स्वभाव जीव है। और व्यवहार ने से मैं मनुष्य हूँ
मैं पुरुष हूँ ये अभूतार्थ है, ये अवास्तविक है, ये विशेष है, ये पर्याय है। तो यहाँ गाथा में क्या कह रहे हैं, निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है। अर्थात इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि निश्चय ने सच्चा है और व्यवहार ने झूठा है, नहीं, ये अर्थ गलत हो जाएगा। अर्थ ये लगाना चाहिए, निश्चय ने सत्य को बताने वाला, सम को बताने वाला, अर्थात सामान्य को विषय करने वाला है, और व्यवहार ने पर्याय को बताने वाला या विशेष को बताने वाला है। सच्चा कौन सा है, सच्चे तो दोनों ही है, ये इन दोनों नियमों में अंतर है। पंडित जी, जीव निश्चय ने का आशय लेकर सम्यक दृष्टि क्यों होता है? व्यवहार ने आत्मा का स्वरूप नहीं, निश्चय ने आत्मा के स्वरूप को बताने वाला है। व्यवहार ने पर्याय को बताता है, पर्याय आत्मा का स्वरूप नहीं होती, वो तो नष्ट होने वाली नई आने वाली होती है। निश्चय ने द्रव्य को बताता है, द्रव्य हमेशा रहने वाला होता है। उदाहरण से समझें, जो अज्ञानी है वो व्यवहार ने, अर्थात जैसे एक तालाब का कीचड़ सहित पानी है, उस पानी को कीचड़ सहित पीता है, लेकिन जो निश्चय ने वाला है वो क्या करता है, तालाब का पानी लिया, पहले उसमें निर्मली डाली, जब पानी शुद्ध हो गया तब शुद्ध पानी को पीता है। तो शुद्ध पानी को पीने वाला ही तो सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए यहाँ गाथा में कहा गया कि निश्चय ने के अनुसार जो अपना स्वरूप है उसको जिसने जान लिया है वही सम्यक दृष्टि होता है। जिसने वर्तमान रागादि पर्याय, मनुष्य पर्याय आदि पर्यायों को, अपनी बाल वृद्ध अवस्था को अपना स्वरूप मान लिया है, वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, वह तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। इसलिए निश्चय ने का आश्रय लेकर के जो उस रूप अर्थात आत्मरूप अर्थात ज्ञायक भाव रूप अपने को मानता है, ज्ञाता दृष्टा रूप अपने को मानता है, वह सम्यक दृष्टि होता है, ये इस गाथा में कहा गया है। पंडित जी, अभूतार्थ का अर्थ तो झूठा होता है, तो फिर व्यवहार ने क्या झूठा हुआ? अभूतार्थ का अर्थ झूठा नहीं होता, अभूतार्थ का अर्थ होता है जो पर्याय को बताने वाला हो, जो विशेष को बताने वाला हो। भूत माने होता है सामान्य, अभूत माने सामान्य की बजाय विशेष, तो जो विशेष का परिचय कराए उसका नाम व्यवहार ने है। तो व्यवहार ने अभूतार्थ है, अर्थात व्यवहार ने पर्याय को विशेष को बताने वाला है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कह रहे कि ये झूठा है, दोनों नयों में कोई नय भी झूठा नहीं है। एक बात हम और बताना चाहेंगे, इस गाथा की जो टीका आचार्य जयसेन महाराज ने की है, उन्होंने इस गाथा के दो अर्थ किए हैं। उन्होंने ये भी अर्थ किया है कि व्यवहार ने भूतार्थ है, अभूतार्थ है, और निश्चय ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों प्रकार कहा गया है। कैसे, व्यवहार ने की दृष्टि से भूतार्थ है, निश्चय ने की दृष्टि से अभूतार्थ है। निश्चय ने व्यवहार ने की दृष्टि से अभूतार्थ है, निश्चय ने की दृष्टि से भूतार्थ है। इस तरह व्यवहार ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ है, और निश्चय ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ है। सम्यक दृष्टि कौन होता है, जो दोनों नयों का जानने वाला होता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। सामान्य को जो विषय करता है, भूदत्त मत्स्यदो खलु, जो सामान्य को विषय करता है वही सम्यक दृष्टि है। जो अपनी राग द्वेष आदि सहित आत्मा को, अपनी वृद्ध युवा पर्याय को अपना स्वरूप मानता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए सामान्य को विषय करने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। दूसरी बात, अनादिकाल से हमने ये जो अभूतार्थ अर्थात विषय जो व्यवहार ने है,
जो विशेष या पर्याय दृष्टि है उसी को हमने अपना स्वरूप माना है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने रहे। हमने आज तक कभी अपने आत्मा को अपना स्वरूप नहीं माना, मैं आत्मा हूँ ऐसा मैंने कभी नहीं माना। इसलिए जो अपने स्वरूप को निश्चयने के अर्थ द्वारा अर्थात जो सामान्य को अपना स्वरूप मानते हैं, जो निश्चयने के द्वारा सब अपने आत्मा को देखते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। पंडित जी, क्या निश्चयने भी दो प्रकार का होता है? हाँ, निश्चयने भी दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध निश्चयने और एक अशुद्ध निश्चयने। जो शुद्ध आत्मा को विषय करता है वो शुद्ध निश्चयने है, और जो अशुद्ध आत्मा को विषय करता है वो अशुद्ध निश्चयने है। इनमें भी शुद्ध निश्चयने भूतार्थ है, सामान्य है, और जो अशुद्ध निश्चयने है वो सामान्य नहीं, वो विशेष है। इसलिए शुद्ध निश्चयने को आश्रय करने वाले जीव ही सम्यक दृष्टि होते हैं। पंडित जी, तो क्या हमें निश्चयने का ही आश्रय लेना चाहिए? दोनों नयों में से अगर एक नय का आश्रय लेते हैं तो एकांती मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। आश्रय तो दोनों का लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो व्यवहार नय का आश्रय लेकर ही समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब निश्चयने के आश्रय से अगर आत्मा को समझ लिया जाएगा ना, तो व्यवहारने का आश्रय अपने आप छूट जाएगा। व्यवहारने झूठा नहीं है, आश्रय दोनों का लेना पड़ेगा। प्राथमिक अवस्था में तो व्यवहारने ही में जाना पड़ेगा, व्यवहारने के माध्यम से फिर निश्चय में जाएंगे तो व्यवहार अपने आप छूट जाएगा। व्यवहारने झूठा नहीं है, लेकिन व्यवहारने प्राथमिक दशा को बताने वाला है, अर्थात पर्याय को बताने वाला है। पंडित जी, क्या शास्त्रों में दोनों नयों को क्या आश्रय लेने योग्य बताया गया है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जो जिणमयम पवज्जये तो माँ व्यवहार निश्चय मय एक बिना छिज्ययी तीर्थम अन्येण उण तच्छम। बिल्कुल स्पष्ट कहा है, अगर तुम जिन मत में प्रवृत्ति करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इनमें से किसी को छोड़ना नहीं। क्यों? एकेण बिना छिज्यै तीर्थम, अर्थात व्यवहार ने के बिना तो तीर्थ नष्ट हो जाएगा, और निश्चय ने के नष्ट होने पर तो तत्व ही नष्ट हो जाएगा। क्या करना है? दोनों को समझना है। पहली अवस्था में व्यवहार ने से ही प्रवेश होता है, फिर निश्चय ने पर पहुंचा जाता है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी अमृतचंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनाया सैव फलम अविकलम शिष्य। जो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को जान करके मध्यस्थ रहते हैं, किसी एक पर जोर नहीं देते, किसी एक का आश्रय नहीं लेते, दोनों का आश्रय लेते हैं। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ, जो मध्यस्थ होते हैं उन्होंने ही वास्तव में भगवान के उपदेश का वास्तविकता का निर्णय लिया है, उन्होंने ही समझा है कि वस्तु का रहस्य क्या है। इसलिए दोनों नयों का आश्रय लेना है, लेकिन ये जानना है कि कौन सा नय द्रव्य को विषय कर रहा है, कौन सा नय पर्याय को विषय कर रहा है। अगर हम दोनों को नहीं जानेंगे, अगर हम अपनी आत्मा को मात्र शुद्ध मान लेंगे तो फिर इसकी शुद्धि का प्रयत्न क्यों करेंगे, और हम अगर आत्मा को अशुद्ध ही मान लेंगे तो फिर क्या बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें आत्मा को व्यवहार और निश्चय दोनों नयों से जानना है, तभी हमें अशुद्धि मालूम पड़ेगी और उसको दूर करने का प्रयास होगा। पंडित जी, तो व्यवहार नय को झूठा मानना गलत है ना? व्यवहार नय की दृष्टि से व्यवहार नय सत्य है। तुम्हारा नाम राकेश है, तो क्या राकेश नाम तुम्हारा झूठा है या सच्चा? सच्चा है, लेकिन वर्तमान पर्याय के अनुसार सच्चा है। व्यवहार दृष्टि से
निश्चय नहीं से तो मैं जीव हूँ, मैं राकेश नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। व्यवहार ने तात्कालिक प्रयोजनवान है और निश्चय ने शुद्ध है बिल्कुल, वह हमेशा प्रयोजनवान है। इसलिए दोनों नयों का आश्रय लेकर ही वास्तविकता का परिचय होता है, एक नए का आश्रय लेकर नहीं। निश्चय ने से हम द्रव्य को जाने, व्यवहार से पर्याय को जाने, तब पर्याय दृष्टि से हटकर निश्चय दृष्टि बनाएंगे, तभी हम सम्यक दृष्टि होंगे। अब आचार्य स्वयं ये बता रहे हैं कि इनमें व्यवहार ने और निश्चय ने किनको कब कब प्रयोजनवान है। आइए गाथा नंबर 14 देखते हैं। शुद्धो शुद्धादेशो, शुद्धो शुद्धादेशो, णादवो परम भावदर्शिः, णादवो परम भावदर्शिः, व्यवहार देशि दोपुण, व्यवहार देशि दोपुण, जे दुआ परमेठि दाभावे, जे दुआ परमेठि दाभावे। बोलिए, शुद्धो शुद्धादेशो णादवो परम भाव दर्शिः, व्यवहार देशि दोपुण, जे दुआ परमेठि दाभावे। प्रत्येक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। शुद्धो माने शुद्ध निश्चय ने, शुद्धादेशो शुद्ध द्रव्य का आदेश माने कथन करने वाला है, शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला शुद्ध निश्चय ने। णादब्बो जानने योग्य है, परम भावदर्शी ही शुद्ध आत्मभावदर्शियों के द्वारा, जो अपनी आत्मा के परम शुद्ध भाव को देख रहे हैं उनके द्वारा तो निश्चय ने ही, शुद्ध निश्चय ने ही जानने योग्य है। और व्यवहार देशि दोपुण, और व्यवहार ने कहा गया है और किसके लिए, जेदु अपरमेठिदा भावे, जो पुनः अपरम भाव में स्थित हैं, अर्थात जो अपरम भाव में निचले भाव में स्थित हैं, जिन्होंने अभी शुद्ध आत्मा के शुद्ध भाव को नहीं देखा है, जो अभी शुद्धोपयोग में नहीं गए हैं, ऐसे जीवों के द्वारा अभी व्यवहार ने प्रयोजन मान है। अपर में अर्थात निचले भाव में स्थित जीवों के लिए तो व्यवहार ने कहा गया है। अर्थ देखिए, शुद्ध निश्चय ने शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है, वह परम शुद्धात्मा की भावना में लगे हुए पुरुषों के द्वारा अंगीकार करने योग्य है, परंतु जो पुरुष नीचे की अवस्था में स्थित हैं अर्थात अशुभोपयोग या शुभोपयोग में मौजूद हैं, उनके लिए व्यवहार ने ही कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि अभी वे निश्चय तक नहीं पहुँचे हैं, व्यवहार ने की दशा में ही हैं, इसलिए व्यवहार ने ही कार्यकारी है। पंडित जी, वर्तमान में हमारे लिए कौन सा नए कार्यकारी है? जानने योग्य वर्तमान में हमारे द्वारा दोनों नए हैं, पर हमारे द्वारा कार्यकारी हमें किसका प्रयोजनवान, हमें किसके काम में लगना चाहिए, तो हमारे लिए अभी तो व्यवहार ने प्रयोजनीय है। पंडित जयचंद जी ने समय सार की गाथा का, इसी गाथा की जो भावार्थ लिखा है बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने लिखा है, जो अभी अविरत सम्यक दृष्टि है उसके लिए तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, गुरुओं की सेवा आदि कार्य प्रयोजनवान हैं। जो व्रती हो गए हैं उनके लिए भी यही कार्य प्रयोजनवान हैं। जो मुनि हो गए हैं और प्रवृत्ति में हैं उनके द्वारा
इन कार्यों के अलावा स्वाध्याय, आत्मभाव का दर्शन आदि प्रयोजनवान है। लेकिन जो इन प्रवृत्ति से हटके निवृत्ति में पहुंच गए हैं और अपने शुद्ध आत्मभाव को दर्शन कर रहे हैं, अर्थात शुद्धोपयोग में है, उनके लिए मात्र आत्मा की शुद्ध दशा का बतलाने वाला शुद्ध ने ही प्रयोजनवान है। हम इसको यूँ भी समझते हैं, जब तक कोई भी आत्मा अशुभोपयोग और शुभोपयोग में है, उसके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। मतलब व्यवहार ने के अनुसार कार्य करना है। लेकिन जब वो जीव शुद्धोपयोग में पहुंच जाता है, तब उसके लिए मात्र निश्चय ने ही प्रयोजनवान है, अपनी अशुद्ध दशा का अवलोकन या चिंतन प्रयोजनवान नहीं। वर्तमान में हम अपरम भाव में स्थित हैं, इसलिए हमें जानने योग्य तो दोनों हैं, पर प्रयोजनवान वर्तमान में हमारे व्यवहार ने है। पंडित जी, यदि हम शुद्ध निश्चय ने को ही प्रयोजन मान लें तो? यदि हम शुद्ध निश्चय ने को ही प्रयोजनवान मान लेंगे तो गृहस्थ अवस्था में है, शुद्ध उपयुक्तों में हो नहीं पाएगा, और फिर शुभोपयोग को भी छोड़ देंगे, अशुभोपयोग में जाएंगे तो क्या होगा? हमारा बहुत ही अहित हो जाएगा। इसलिए नहीं, जैसी दशा है वैसे नए को प्रयोजनवान मान के तदनुसार कार्य करना चाहिए। निश्चय ने के अनुसार आत्मा का स्वरूप तो जानना चाहिए, लेकिन हमें जो सारी क्रिया करनी है वो व्यवहार के अनुसार ही करनी है। इसलिए हमें वर्तमान में जो प्रयोजनवान है वो व्यवहार ने है, जानने योग्य निश्चय ने जरूर है, उसके बिना तो सम्यक तो होना ही नहीं है। गाथा में क्या लिखा है? शुद्ध ने किनको प्रयोजनवान है? जो आत्मा के शुद्ध भाव के देखने वाले हैं, परम भाव दर्शी ही, अर्थात जो शुद्धोपयोगी है, उनके लिए तो शुद्ध ने ही प्रयोजनवान है। वर्तमान में शुद्धोपयोग हमें है नहीं, गृहस्थ अवस्था में होने वाला भी नहीं, इसलिए अगर हम शुद्ध ने को प्रयोजनवान मान लेंगे ना, तो हम बिल्कुल धर्म से च्युत हो जाएंगे। गाथा में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए तो व्यवहार ने ही कार्यकारी है। शुद्ध निश्चय ने को जानने में आपत्ति नहीं, लेकिन अपना जो कार्यकारीपना है, अपना जो प्रयोजनवानपना है, वो तो व्यवहार ने है। इसलिए जब तक हम निचली दशा में स्थित हैं, जब तक हम शुभोपयोग में हैं, तब तक हमारे लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। और जब हम ऊपर शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं, मुनि अवस्था धारण करने के बाद, तब हमें शुद्ध निश्चय ने प्रयोजनवान रहेगा, उस समय व्यवहार ने के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। पंडित जी, यदि हम वर्तमान में शुद्ध नय का आश्रय लें तो क्या होगा? वर्तमान में अगर हम शुद्ध नय का आश्रय लेंगे तो क्या होगा? हम क्रिया शून्य हो जाएंगे। शुद्ध नय का आश्रय लेने वाले व्यवहार की समस्त क्रियाओं को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं, मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, इन क्रियाओं से मुझे क्या लेना देना। इससे क्या होगा? हम व्यवहार से भ्रष्ट हो जाएंगे और निश्चय को हम पहुँच नहीं पाएंगे, तो इधर से भी भ्रष्ट और उधर से भी भ्रष्ट हो जाएंगे। निश्चय ने का अगर आप आश्रय ले लेंगे, अपने को वर्तमान में शुद्ध बुद्ध मान लेंगे, तो क्या होगा? आपको कहा जाएगा, आप निश्चयाभासी हैं, आप मात्र निश्चय ने का आश्रय लेने वाले बन गए, तो निश्चय ने का आश्रय लेकर के आप एकांती हैं। हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए? निश्चय ने के द्वारा अपनी आत्मा का स्वरूप तो जानना चाहिए, लेकिन प्राथमिक अवस्था में अभी हम हैं, हमारे लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है, हमारी सारी क्रियाएं व्यवहार ने के अनुसार होनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण मार्ग होगा, नहीं तो नहीं। आज की पढ़ाई का सारांश है कि व्यवहार ने पर्याय को बताता है, विशेष को बताता है, निश्चय ने सामान्य को बताता है और द्रव्य को बताता है। जो द्रव्य का आश्रय लेते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं,
पर्याय के आश्रय से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता। और दूसरी गाथा में बताया, जो अपने आत्मा के शुद्ध भाव के दर्शन करने वाले हैं उनके लिए तो शुद्ध निश्चयने को बताने वाला शुद्ध नय ही कार्यकारी है, और जो निचले भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। हम और आप अभी निचले भाव में स्थित हैं, अतः हमें क्या करना चाहिए? निश्चयने से अपने स्वरूप का ज्ञान तो करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में व्यवहार ने के अनुसार शुभोपयोग की समस्त क्रियाओं का भाव सहित अच्छी तरह हमें उनको पालन करना चाहिए, उनको करना चाहिए। ये आज का सारांश हुआ। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जीतेंद्र ढहाले जैन, श्री जीतेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जीतेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर महाराष्ट्र। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, जेपी जैन, अहूरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। एकता, राजस्थान। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे। विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4 गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी कालकाजी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुख लाल शाह, माता रमीलाबेन पारेख, वडोदरा, गुजरात।